अत्याचार इसलिए कर रहा है कि मैं एक दलित महिला हूँ सर, वो हमारे साथ सोना चाहता है, गलत करना चाहता है, फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। क्या सबूत है आपके पास कि हेडमास्टर आपसे गलत संबंध बनाना चाहता था, गलत काम किया था? हमारे पास एक नहीं हजारों प्रूफ है सर, हमारे मोबाइल में जितना हेडमास्टर अश्लील बात किया था, अश्लील मैसेज किया था, सारा मेरे मोबाइल में मैसेज है। वो मैसेज का मैं A4 साइज में कॉपी भी निकाल चुकी हूँ और सारा प्रशासन कैमूर जिला भी जानता है और पटना का भी सारा जो है शिक्षा विभाग भी जानता है कि हेडमास्टर कितना नीच गिरा हुआ इंसान है। वो RSS का आदमी है, एक दबंग है, मनबढ़ू है। ये देखिए, उसके खिलाफ हमने गर्दनीबाग महिला थाना में केस कराया था। RT इन्फॉर्मेशन एक्ट 67A लगा हुआ है, अश्लील फोटो वीडियो का। ये लोग कैसे विश्वास कर ले कि आप सच बोल रही हैं? सर सच, देखिए सच का तो मेरे पास हजारों प्रमाण है, क्योंकि मैं हजारों बार मीडिया के सामने आई हूँ। अगर हेडमास्टर सही है तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आता है सर? वो आज तक कभी मीडिया के सामने नहीं आया, बस उसका एक ही काम है, कुछ फेक यूट्यूबर है उन लोग को 5,000, 10,000, 5,000 रुपया देकर हमारे खिलाफ गलत गलत न्यूज चलाता है ताकि मीडिया में गलत मैसेज जाए। कुछ भी चलाया था कि 12-12 शादी की है फलान ढेकान। तो मैं, शादी हो गया है जी, हमारा शादी हुआ है। कब हुआ था आपका शादी? हमारा शादी 2003 में हुआ था, मेरा ससुराल मऊ जिला में है सर। बस हमारे व्यूअर्स को विस्तार से बताइए, हेडमास्टर आपके साथ क्या क्या कर रहा है, विस्तार से बताइए। अभी के डेट में है कि मैं स्कूल जाती हूँ तो हेडमास्टर हमारे स्कूल के गेट में ताला मारता है और हम 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ और हेडमास्टर स्कूल में हमारा अश्लील हरकत करता है, गंदी हरकत करता है मेरे साथ, जिसको हम लिखित रूप में भी देख चुके हैं। छेड़खानी करता है, सोचता है गलत काम करने का। हाँ, अब क्यों नहीं, अब कई बार कर चुका है, ये हमारा हेडमास्टर कई बार हमारे साथ अश्लील हरकत कर चुका है, जान लीजिए। हम कई बार मीडिया के सामने बता चुके हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है, 100 बार हरकत किया हुआ है। मेरा अश्लील फोटो वीडियो बनाकर एडिटिंग कराकर वो पूरा चला रहा है, जिसके लिए गर्दनीबाग महिला थाना में 124/21 हमने FIR दर्ज कराया है और उसमें RT एक्ट लगा हुआ है 67A। हम पेनड्राइव में CD फोटो और अश्लील वीडियो सारा हम दिए हुए हैं। इससे बड़ा क्या प्रमाण? आपका अश्लील वीडियो बना रहा था वो, एक्चुअली एक ये हमारा ये BMP का ही सिपाही था, सुधीर उसका नाम है। वो एक बार, अभी वो डिसमिस होकर बैठा हुआ है, यही काम है मेरे पीछे, वो कुत्ता की तरह पड़ा रहता है और वही कुछ उसको। कौन पड़ा रहता है? ये सुधीर कुमार जो BMP का सिपाही है, जो अपने अश्लील हरकत और कुकर्मों के चलते आज 5-6 लेडीज कांस्टेबल के साथ गलत हरकत किया था और आज अपने गलत कुकर्मों के वजह से विभागीय रूप में विभागीय प्रोसीडिंग उसके ऊपर चला, यहाँ तक कि कमांडेंट के भी बेटी को नहीं छोड़ा, सूबेदार की भी बेटी को नहीं छोड़ा। और BMP 4 का वो सिपाही है, सिपाही नंबर 208 है, और आज अपने हरकतों की वजह से पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे जो है उसको नौकरी से बर्खास्त कर चुके हैं DGP उसको। और एक कमीना क्या किया है कि 3-4 बार ताला तोड़वा कर मेरा घर में चोरी करवा दिया, कई बार घर में चक्कू वक्कू मारा है। तो इस तरह से वही हेडमास्टर से मिला हुआ है और हेडमास्टर को उल्टा सीधा अश्लील फोटो वीडियो देता है और हेडमास्टर जो है उसको वायरल कराता है, ये फेक यूट्यूबर है, उसको पैसा देकर ये न्यूज पे चलवाता है। तो उस न्याय के लिए आप कहाँ कहाँ गई है? अभी तक देखिए, हम जिला में DO DDC और DM से लेकर मैं जिला में प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, पटना से लेकर मैं स्टेट लेवल से लेकर मैं दिल्ली तक गई हूँ, SC कमीशन गई हूँ, मानवाधिकार गई हूँ, इसके बाद SC ST कमीशन गई हूँ, मानवाधिकार गई हूँ, इसके बाद और महिला आयोग गई हूँ राष्ट्रीय, मैं सब जगह अच्छा, जाकर महिला आयोग के पास गई हैं, आपको कोई इंसाफ नहीं मिला है? ये सब देखिए सर, मैं आज बिहार के जनता से कहने, चाहे मानवाधिकार हो चाहे महिला आयोग हो, ये सब सिर्फ दिखावटी के लिए, कहीं कुछ नहीं होता है। मुझसे ज़्यादा कोई शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन का पोल नहीं खोल सकता है, हकीकत क्या है मैं जानती हूँ। अरे आप देखिए ना, एक दलित इंसान है जाके थाना पे दिन भर बैठा हुआ है, चाहे कहीं नहीं उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है, सिर फटा है, मर्डर हुआ है, लेकिन थाना उसका नहीं सुनता है। वहीं एक फॉरवर्ड का कोई जाता है, अगर झूठा फर्जी केस भी कराता है तो देखिए थाना किस तरह से पैसा लेकर और केस करता है। और मैं अपने मामले में बता दूं सर कि अभी कैमूर जिला का SP जो आया हुआ है और थाना प्रभारी ललन कुमार सिंह है, दोनों हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह से फर्जी केस कराकर। अभी देखिए, थाना का और हेडमास्टर का साजिश था कि अभी जिस रूम में हम सर रह रहे हैं
वहाँ दो दिन से हमको किस तरह से मकान मालिक से कहवा कर हमको बंधक बनाया गया था, और हमारा दो दिन से रोड पे सामान थाना प्रभारी हमारे फेंकवा दिया था सर। और 2 तारीख को इसी महीना में 2 नवंबर को मैं थाना पे आवेदन दी हूँ सर, और थाना प्रभारी कुछ नहीं कर रहा है। इन अभियुक्तों लोगों से 50-60 हज़ार रुपया ले लिया है और कुछ नहीं कर रहा है। और मैं 6-7 दिन से न्याय के लिए पटना में आई हूँ, मैं हर जगह जा रही हूँ, लेकिन हमको कहीं न्याय नहीं मिल रहा। अभी हेडमास्टर कहाँ पर है? अभी हेडमास्टर सर हमारा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा सिर फाड़ा हुआ था, 11 गो टका लगा था। तो उसी विषय में हमारे कैमूर जिला के नवदीप शुक्ला DM जो है गुस्सा होकर उसको ट्रांसफ़र करके विद्यालय से हटा दिए हैं। अभी वो दूसरे विद्यालय में चला गया है, मैं उसी विद्यालय में हूँ सर। देखिए यहाँ पर इस महिला के साथ कितना अत्याचार किया हुआ है हेडमास्टर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फ्रॉड हैं। सर ऐसा कोई बात नहीं, मैं अगर बता दूं आपको कि मैं अगर अकेले दलित महिला हूं, अगर मेरे साथ कोई अकेले समझकर मेरे साथ उत्पीड़न करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, तो हम अपने बचाव में कहां जाएंगे? जो दुनिया की महिला करती है वो भी हम करते हैं, केस करने जाते हैं थाना पे, तो क्यों नहीं केस करने जाएंगे? और वही एंटी पार्टी है कि पैसा देकर थाना को SP को पैसा से खरीद लेता है। मेरे पास तो पैसा नहीं है कि हम SP और थाना को खरीदे। हेडमास्टर अभी हमारा क्या कर रहा है, लाखों रुपया देकर SP को मैनेज कर रहा है, थाना पे 60 हज़ार रुपया दिया हुआ है, तो हमारे ऊपर काउंटर केस करवाया था। हेडमास्टर किया हुआ है? हेडमास्टर किया हुआ है सर, मेरे ऊपर काउंटर केस किया हुआ है, और 5 गो ग्रामीण जनता को उल्टा फंसा कर केस में आज जेल भेजवा दिया। थाना प्रभारी अभी कैमूर जिला का मोहनिया का इतना भ्रष्ट और घूसखोर आया हुआ है, अभी थाना और SP का साजिश है सर, थाना प्रभारी के किसी तरह महिला को झूठा केस में फंसा कर इसको जेल भेज दिया जाए। देखिए यहाँ पर महिला के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और महिला को कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए कि इनका वीडियो बिहार सरकार के पास जाए, मंत्री जी के पास जाए, और तुरंत इनका आवेदन जो है इनका जाँच किया जाए, और जाँच के बाद इनको न्याय दिया जाए।